आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शिवसेना ने मांगा लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद। स्पीकर के लिए मेनका राधा मोहन, वीरेंद्र और नंद कुमार के नाम। तेलंगाना में कांग्रेस को और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल। एमपी के मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले कमलनाथ। बेटे नकुल को भी मोदी से मिलवाया। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ सरकार पर हमला। सरकार अपनी खामियां का दोष ट्रांसफार्मर को दे रही है। और बिजली की अघोषित कटौती जारी। गर्मी में याद आया दिव्य सिंह का शासन। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा? दौड़ में कई नाम है। आमतौर पर जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसे यह जिम्मेदारी दी जाती है। इस लिहाज से मेनका गांधी का नाम सबसे आगे है। भाजपा के 303 सांसदों में मेनका गांधी सबसे सीनियर है। वे पहली बार 9वीं लोकसभा में चुनकर आई थी और इस जीत के बाद बतौर सांसद उनका 8वां कार्यकाल शुरू हुआ है। हालांकि भाजपा ने इस पद के लिए मेनका का नाम आगे बढ़ाने पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मेनका के अलावा वीरेंद्र कुमार, एएस आहलूवालिया, राधा मोहन सिंह और नंद कुमार चौहान के नाम भी लोकसभा स्पीकर की दौड़ में है। वहीं शिवसेना ने अपने लिए डिप्टी स्पीकर की मांग की है। बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। वहीं डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी एनडीए के किसी सहयोगी को मिल सकती है। शिवसेना की मांग को रखते हुए संजय राउत का कहना है कि हमारी ये डिमांड नहीं है, बल्कि हमारा ये नेचुरल क्लेम और हक भी है कि ये पद शिवसेना को मिलना चाहिए। वहीं वीरेंद्र कुमार 7वीं बार जीत कर सांसद बने हैं। वे मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस सीट पर पहली बार 1996 में जीत दर्ज की थी। पिछली मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। इस बार मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। एसएस आहलूवालिया के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संसद के कामकाज का अच्छा अनुभव है। 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। 2014 में वे दार्जिलिंग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और जीते थे। राज्यसभा में उन्होंने भाजपा के डिप्टी लीडर की भूमिका निभाई थी। साथ ही कुछ समय के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में छठी बार चुनकर आने वालों में पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और नंद कुमार सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। राधा मोहन सिंह इस बार पूर्व चंपारण से जीत कर आए हैं। वहीं नंद कुमार सिंह मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार खंडवा से जीत कर आए हैं। फिलहाल लोकसभा स्पीकर की कुर्सी किसकी होगी यह जल्द ही पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना विधानसभा में सत्तारूढ़ टीआरएस ने कांग्रेस मुक्त सदन की तैयारी कर ली है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के 18 विधायक हैं, जिनमें से 12 ने स्पीकर के सामने अर्जी देकर टीआरएस में विलय की बात कही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब उसे विधानसभा में बड़ा झटका लगता दिख रहा है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस यहां विपक्ष के नेता का दर्जा खो देगी। तेलंगाना में दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कुल 119 में से अभी की स्थिति में टीआरएस के पास 91 विधायक हैं। AIMIM के 7 विधायक भी सरकार का हिस्सा है। वहीं विपक्ष में 18 सीटों के साथ कांग्रेस है, जिसके विधायकों की संख्या घटकर अब महज 3 रह गई। इसके अलावा TDP, भाजपा और निर्दलीय के पास एक एक सीट है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से स्थानीय निकाय मंत्रालय वापस ले लिया है। इससे पहले गुरुवार को कैप्टन ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन सिद्धू शामिल नहीं हुए थे। पाकिस्तान और इमरान खान के मसले पर लोगों की नजर से गिरे नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने सिद्धू को नॉन परफॉर्मर बताया है। वैसे सिद्धू और अमरिंदर के बीच लोकसभा चुनाव से पहले से तनातनी चल रही है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई थी, तब भी सिद्धू नहीं पहुंचे थे। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने आरोप लगाया था
कि उनका टिकट कटने के पीछे अमरिंदर सिंह का हाथ है। इसके बाद आज अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से स्थानीय निकाय मंत्रालय वापस ले लिया है। यह पहला मौका नहीं है जब सिद्धू अपनी सरकार की बैठक में नहीं पहुंचे हों। इससे पहले 30 मई को भी मुख्यमंत्री की बैठक से सिद्धू दूर थे। तब सवाल उठे तो सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा था कि उनको इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुलनाथ भी साथ थे। कमलनाथ ने मोदी से एमपी के मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री कमलनाथ की नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी पीएम मोदी से मिले। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर बातचीत भी की है। गौरतलब है कि सीएम कमलनाथ अपने दिल्ली दौरे में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने गए थे। इस दौरान मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर भी बात हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान से सीएम की चर्चा हुई है। गर्मी का तापमान आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ बिजली की लुकाछिपी ने राजनीति को गर्म कर रखा है। इस सब के चलते पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा, कांग्रेस की सरकार प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रही है और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए अब ट्रांसफार्मर पर दोष लगा रही है। रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है, यह हाल है इस सरकार का। नरोत्तम मिश्रा ने यह कहते हुए सरकार को खूब कोसा। कहा, सरकार यह तय कर ले कि ट्रांसफार्मर खराब है या ये ट्रांसफर में बिजी है। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कांग्रेस अब ट्रांसफार्मर पर दोष लगा रही है। इन्होंने आरोप लगाया था कि हमने गड़बड़ ट्रांसफार्मर खरीदे। हमारे समय अगर गड़बड़ ट्रांसफार्मर खरीदे गए तो फिर बिजली उस समय तो इतनी नहीं जाती थी। मिश्रा यही नहीं रुके, आगे कहा, मुख्यमंत्री अब आईटी छापे की जमावट में लगे हैं। यह दिल्ली मिलने नहीं जमाने गए हैं। छापों ने इनकी असलियत सामने ला दी है। यह कहते हैं हमारे घोटालों की जांच कराएंगे। हम पूछते हैं, इन्हें रोका किसने है? अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए ट्रांसफार्मरों पर आरोप लगाना। अगर ट्रांसफार्मर हमने खराब खरीदे थे तो बिजली हमारे समय में जाना थी, क्यों नहीं गई? ट्रांसफार्मर अभी खराब हो गए इनके आने से या ट्रांसफरों के कारण से हालत खराब हो गई? पहले कांग्रेस सरकार तय तो कर ले। वास्तविकता यह है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। प्रशासनिक अफरा तफरी इस मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसका ट्रांसफर जहां हुआ है वो जाना नहीं चाहता, जो था वो हटना नहीं चाहता, जिसको हटा दिया है वो वहां काम नहीं कर रहा और जिसे जाना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है और इसलिए लोग पानी को भी परेशान हो रहे हैं और बिजली को भी परेशान हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आराम कर रहे हैं। मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रांसफर उद्योग खोल के रखा है सरकार ने, कानून व्यवस्था ठप है पूरे प्रदेश में। सीएम आदेश देते हैं बिजली नहीं कटेगी, बिजली चली जाती है। ओपीडी में भी समय का आदेश किसी ने नहीं माना। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जब जनता नहीं मान रही है तो इनके मंत्री विधायक क्या मानेंगे? ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा बोले कि अगर ईवीएम या हम गलत हैं तो फिर एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट थे। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में बिजली कटौती ने 15 साल पुराने दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद ताजा कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ लाख दावे करें उसके अघोषित बावजूद बिजली कटौती से निजात मिल नहीं रही है। भीषण गर्मी से प्रदेश के लोगों का जीना दूभर हो गया है। गर्मी से निजात पाने लोग घरों में पंखों और कूलर का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। गौरतलब है कि बिजली विभाग की लापरवाही को देखते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सख्त आदेश दिए थे कि बिजली किसी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमलनाथ सरकार के आदेशों का कोई असर नहीं नजर आ रहा है।
बिना जानकारी दिए बिजली कर्मचारी इस भीषण गर्मी में बिजली गुल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिग्विजय शासन की याद आ गई है। बीजेपी इस मामले पर मुखर है। लोगों और बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले पर सरकार और बिजली विभाग सरासर झूठ बोल रहे हैं। विगत 3 माह से पूरे देश के अंदर भीषण गर्मी का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के जो हाल हैं वो सब हमसे छुपे नहीं है। आए दिन बिजली चली जाती है, लोगों को अब तो इस बात का डर रहने लगा है कि बिजली आएगी कब। आज इन सभी बिजली की समस्याओं को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह राजीव मंडल के तमाम कार्यकर्ता हम सभी ने एकत्रित होकर जनता की इस आवाज़ को MPP तक पहुँचाने का हम सब ने काम किया है और MPP के समस्त आला अधिकारियों को इस बात से भी चेताया कि 2-3 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिजली गुल का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता ने रांची विद्युत मंडल का घेराव किया। बीजेपी ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना जानकारी दिए अगर बिजली गुल हुई तो भाजपा आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। इधर बिजली विभाग का कहना है कि प्रदेश में किसी प्रकार की अघोषित बिजली कटौती नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी के कारण विद्युत फॉल्ट आने के कारण विद्युत अवरोध हो रहा है। विभाग को मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद करनी पड़ती है, तब विभाग सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सूचित करता है। बिजली की समस्याओं को लेकर अघोषित कटौती जो की जा रही है उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज घेराव किया गया था, तो उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कटौती किसी प्रकार की नहीं की जा रही है, क्योंकि इंसिडेंट इतनी भीषण गर्मी है, इंसिडेंटियस फॉल्ट आने के कारण लाइनें ट्रिप होती हैं जिनको तत्काल अटेंड कर लिया जाता है और समाचार पत्रों के माध्यम से मैसेजिंग के माध्यम से लाइन की मेंटेनेंस हेतु हम सप्लाई बंद करते हैं। जो अभी जो उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं सुबह का टाइम निर्धारित किया गया है जिसके तहत हम प्री मानसून मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी सूचना पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाती है। समय छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नक्सली गतिविधियों में शामिल एक युवक जो कभी बेखौफ दहशतगर्दी कर मासूमों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था, वो युवक आज पुलिस में सहायक आरक्षक बन गया है। साथ ही उन युवाओं की प्रेरणा भी जो भटक गए हैं। अब यह युवक नाट्य मंडली के माध्यम से नक्सलवाद के खिलाफ स्थानीय लोगों को जागरूक भी करता है। आप तस्वीरों में जिस युवक को देख रहे हैं उसका नाम अर्जुन हेमला है। अर्जुन की कहानी लोगों को प्रेरणा देती है। अर्जुन कभी नक्सली गतिविधियों में लिप्त था, लोग उससे डरते थे, मगर अब अर्जुन समाज सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, गांव वालों को जागरूक करता है। अर्जुन में इस बदलाव का श्रेय CRPF को जाता है। अर्जुन भी एक भटका हुआ युवक था, उसमें गलती अर्जुन की नहीं थी क्योंकि उसको बचपन से ही सिखाया जाता था कि पुलिस और CRP दुश्मन है और इस जहर के कारण अर्जुन नक्सली बन गया था। मगर जब अर्जुन पुलिस और CRPF के जवानों को गांव के गंभीर बीमार लोगों की सेवा करते देखता था, अर्जुन देखता था कि कैसे जवान बीमारों को कंधे पर डालकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं, नक्सली हमले में उनकी रक्षा करते हैं। यह सब देखकर अर्जुन का हृदय परिवर्तन हुआ। अर्जुन को अब पता चला कि जब सरकार और पुलिस विभाग आत्मसमर्पित नक्सलियों का न सिर्फ पुनर्वास करा रही है बल्कि उन्हें फोर्स में भी भर्ती कर रही है, तब अर्जुन ने तय किया कि लोगों को मार कर नहीं बल्कि लोगों की सेवा और सहयोग करके ही वास्तविक सुख मिल सकता है। अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने भी उसे पुलिस में सहायक आरक्षक बनाया। आज अर्जुन न सिर्फ नक्सल विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा है बल्कि वह लोगों को नक्सलवाद की बुराइयों से दूर रखने के लिए जागरूक भी करता है। अर्जुन नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण कराने की एक बड़ी मुहिम भी चलाए हुए है। हमर बस्तर सबसे सुंदर, देखो देखो रे, देखो देखो रे, मेहनत कस दिल वाले आदिवासी रे, हम आदिवासी रे,
कोयल की कुहू कुहू तोतों की किल किला बैल डिल्ला डिल्ला नहीं खनिजों का खिला रे खनिजों का खिला रे अनाजों से भंडार बरा है रे इतना सोना बस तेरे में रोना क्यों रे मरना क्यों रे अमर बस तेरे सबसे सुंदर देखो देखो रे देखो देखो मेहनत कश दिल वाले आदिवासी रे हम आदिवासी रे। छतरपुर के राजनगर पुलिस ने 10,000 के इनामी गुंडे को गिरफ्तार किया है। इस पर 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप है। दुष्कर्म की घटना के बाद से ही ये फरार था। 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी राजू कुशवाहा को राजनगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने योजना बनाकर अपनी टीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजू ने एक मासूम के साथ वहशियाना हरकत की और फरार हो गया। इस घटना के बाद से आरोपी राजू को लेकर लोगों में रोष था। मुखबिर की जरिए पुलिस को राजू के बारे में पता चला और उसने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने आरोपी के ऊपर गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की थी और 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। साथ में लैंगिक हमला हुआ था जिसमें आरोपी फरार था। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और जो टीम बनाई गई थी टीम के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30/5/19 को एक फरियादिया ने थाना राजनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी। उसके एक मासूम बच्ची 8 साल की, उसके साथ एक आरोपी राजू कुशवाहा ने बलात्कार किया है, जो थाना राजनगर में अपराध क्रमांक 116/19 धारा 376 AB ताजिरातिन और 5/6 POXO Act का कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी घटना दिनांक से फरार था, तो इस संबंध में आदरणीय SP साहब ने एक टीम गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था, जो हमारी टीम ने मेहनत करते हुए आरोपी को कल दिनांक 5 बजे बेनीगंज रोड खजराव से गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार करके और कार्रवाई करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अचानक सिम्स का दौरा किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सिम्स प्रबंधन तब सकते में आ गया जब स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी ली और मरीजों से अस्पताल के हाल जाने। तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों की क्लास भी लगाई। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के अचानक सिम्स पहुंचने से अधिकारी वैसे ही परेशान थे कि TS सिंहदेव ने दवाओं के स्टॉक के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और तत्काल स्टॉक को ठीक करने को कहा। सिम्स पहुंचे मंत्री से मरीजों ने तमाम शिकायतें की और बताया कि पेयजल, बिजली आपूर्ति और साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। मंत्री TS सिंहदेव को बताया गया कि सोनोग्राफी, एक्सरे सहित कई मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द ही व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए। बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि डॉक्टर्स की कमी के लिए हम लोगों ने निर्णय लिए हैं एक उनके पे पैकेज को बढ़ाने का। माननीय मुख्यमंत्री मौखिक सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है कि DML जैसे फंड से हम पे पैकेज बढ़ा के वर्तमान काम करने वाले डॉक्टर्स को भी बेटर पे पैकेज देंगे और जो पद खाली हैं वैधानिक कारणों से, पैकेज के कारणों से, उनको भी आकर्षित करेंगे कि बेहतर पे पैकेज हम दे रहे हैं, आप आएँ जनसेवा करें। दूसरा, आप शायद आयुष्मान के बारे में पूछना चाह रहे थे। आयुष्मान योजना 5 लाख तक की सीमा की एक योजना है। दुर्भाग्य से अभी जो उसका स्वरूप है ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों तक सीमित है, जिनकी संख्या उतनी कम भी नहीं है। पूरे प्रदेश में करीब 43 लाख परिवारों को आज आयुष्मान से कवर किया जाता है। जो सीमाएँ हैं वो दो, पहली सीमा ये सबके लिए, अगर आप SECC में दर्ज नहीं है या RSPY में आपका पहले कार्ड नहीं था, अगर आप SECC में दर्ज है तो SECC में नाम आपका छूट गया और RSPY का कार्ड आपके पास पहले था तो आप आयुष्मान योजना के तहत लाभ ले सकते। ये मशीन रिलीज नहीं कर रहे हैं रायपुर से। दूसरा, इसकी जो सीमा है वो इंडोर पेशेंट ये माना जाता है कि 14 से 18 भी अस्पताल में भर्ती होता है, अस्पताल में भर्ती नहीं होता है। अगर आप OPD में जाएंगे और वहाँ कोई उपचार करेंगे तो जो दवाइयाँ निःशुल्क प्रशासन ने उपलब्ध कराई हैं उनके अतिरिक्त कोई भी जांच आपको करानी होगी या दवाई लेनी होगी तो आयुष्मान से कवर नहीं होता। तो
ये जो भाई मुंडी नीचे है ना, स्वास्थ्य के अधिकार की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, ये उनके लिए भी पहले चरण में है जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी उपचार की कैटेगरी में माना जाता है। सिम्स में निरीक्षण के पूरे समय विधायक शैलेश पांडे भी उनके साथ थे। शैलेश पांडे ने सिम्स प्रबंधन के रवैये की भी शिकायत की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। निरीक्षण में रेबीज इंजेक्शन की कम सप्लाई की बात प्रबंधन ने मंत्री से की और सहयोग मांगा। इसके अलावा सभी ग्रुप के खून की उपलब्धता पर भी मंत्री ने जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। भोपाल के नए आईजी योगेश देशमुख ने पदभार ग्रहण किया और काम शुरू कर दिया। देशमुख ने कहा, अपराधों पर नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता है। आईजी भोपाल जोन योगेश देशमुख ने आईजी जयदीप प्रसाद से आईजी ऑफिस में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर डीआईजी शहर इरशाद वली, डीआईजी दिहार डॉक्टर आशीष, एसपी साउथ संपत उपाध्याय, नवगत एसपी नॉर्थ शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। आईजी देशमुख का पुष्प गुच्छ से सभी ने स्वागत किया। इस अवसर पर एएसपी अखिल पटेल, एएसपी रश्मि मिश्रा, एएसपी अरविंद दुबे, एएसपी मनु व्यास, एएसपी दिनेश कुमार कौशल, एएसपी निश्चल झारिया एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले भोपाल के नवागत एसपी नॉर्थ शैलेन्द्र सिंह चौहान ने एसपी हेमंत चौहान से एसपी नॉर्थ ऑफिस में पदभार ग्रहण किया। सिंधी पंचायत ने 10वीं एवं 12वीं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को एवं उनकी स्कूल के प्राचार्य को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले सभी लोगों को शील्ड प्रशस्ति पत्र के साथ तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। संत नगर में साधु वासवानी स्कूल स्थित नंदवानी ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों और प्राचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को शील्ड के साथ तुलसी का पौधा भी प्रदान किया गया ताकि वे पर्यावरण को लेकर सजग रहें। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। वहीं सिंधी पंचायत द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष रवि टेकचंदानी एवं भोपाल के प्रसिद्ध सबधानी कोचिंग के डायरेक्टर आनंद सबधानी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। उच्च सिंधी पंचायत ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में किस तरीके से सिंधी बच्चे आईएएस आईपीएस और नॉन सिंधी बच्चे भी, हमने इस कार्यक्रम को भाषा से नहीं जोड़ा, हमने इस कार्यक्रम को सबके लिए किया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मुस्लिम भाई और समस्त समाज के बंधु सम्मिलित हैं। लगभग 400 बच्चे हैं और 125 बच्चे ऐसे हैं जो नॉन सिंधी भी हैं। जब हमने भावना बनाई थी, जब आत्मा बना रहे थे, तब हमने सिंधी सोचा था, पर करते करते अपने इसको सभी समाजों से जोड़ दिया है। ये कार्यक्रम सफल रूप से चल रहा है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला है। जो सिंधी पंचायत संत दादाराम नगर का ये आयोजन है, शिक्षा जगत में हम लोगों ने उन बच्चों को सम्मानित भी कर रहे हैं जिनके 90% से ज़्यादा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने ये सिर्फ सिंधियों के लिए न करते हुए समस्त समाज के बंधुओं का मुझे सिंधी पंचायत में हमारे पंचायत अधिकार जो रहते हैं समाज समर्थ करते हैं, समाज बुराइयों को समाप्त करना, पंथ की सुधार, सुख दुख में शामिल होना, परंतु विगत कुछ वर्षों से यूपीएससी आईपीएस के नतीजे आ रहे थे, कहीं भी हमारे सभी समाज के लोग नजर आ रहे थे। हमने निर्णय लिया कि हमें क्या करना चाहिए। इस समाज में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं रवि टेकचंदानी, जो सिंधी विभाग के, उन्होंने बताया कि अपन सिंधी विषय में भी आईपीएस आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। इस संबंध में हमने यहाँ के स्कूल बच्चों को बुलवाया और उनके संबंध में ये सेमिनार रखा है, जो आज रवि टेकचंदानी ने अच्छा उद्बोधन दिया और बच्चों को बताया कि किस प्रकार अपन आईपीएस यूपीएस के एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और सिंधी विषय कर सकते हैं। इन वक्ताओं ने बच्चों को बताया कि किस तरह सिंधी भाषा में भी यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है एवं सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या क्या संभावना होती है। स्टूडेंट्स को कई प्रकार की करियर को लेकर जानकारी दी गई। दंतेवाड़ा में ग्राम सभा की अनुमति के बिना 13 नंबर प्लांट को अडानी को दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। प्लांट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रामीणों ने विरोध जताया है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के 13 नंबर प्लांट को अडानी को देने के विरोध में दंतेवाड़ा के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। हड़ताल में हजारों की तादाद में ग्रामीणों के शामिल होने की खबर है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा क्षेत्र के ग्रामीण 2 दिन पहले से ही हड़ताल में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। हड़ताल में शामिल होने के लिए ग्रामीण 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 नंबर प्लांट के क्षेत्र में ग्रामीणों का दैवीय स्थल भी मौजूद है, जहां प्लांट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ काटे जाने का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित नक्सलियों ने प्लांट लगाने का विरोध किया है।
गाडरवारा में शक्कर नदी हमेशा अपनी जलधार बहाने के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन अब इसका अस्तित्व खतरे में है। ये नदी मर रही है, लेकिन इसे बचाने वाला, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब नदी के नाम पर सिर्फ गंदगी का अंबार है। शक्कर नदी नाम से ही जाहिर होता है, कल कल कर बहता हुआ मीठा पानी। नदी के किनारे पर बड़े शानदार वृक्ष और उन पर कलरव करते पंछी इस इलाके की फिजा बदल देते हैं, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है। शक्कर नदी मर रही है। हर पल दम तोड़ने से पहले नदी की आस है कि शायद कोई उसकी सुध ले और वह फिर बहना शुरू कर दे। इस नदी का यूं खत्म होना पर्यावरण के लिए भयानक क्षति है। नदी की जगह गंदगी का अंबार है। यह नदी कई लोगों के जीवन का हिस्सा थी। इस नदी में मीठे तरबूज, ककड़ी और खरबूज लगा करते थे। नदी किनारे खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले इन छोटे से किसानों के परिवार पर संकट के बादल उमड़ने लगे हैं। कम से कम भैया 30-32 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, पानी की समस्या कम से कम 20 साल से आ रही है। नदी में पानी नहीं आ रहा है, 20 साल लगभग हो गए। पहले पानी पर्याप्त रहता था, पानी नहीं है तो फसल तो कमजोर होगी भैया, नुकसान भी होता है। पहले पानी रहता था तो फसल अच्छी होती थी, बहुत से लोग बाग करते थे और फायदा भी मिलता था उससे। बहुत लोगों ने बंद कर दी। पहले पूरे यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। 40-45 साल हो गई कम से कम। अब जब पानी आ गया कम से कम 5-6 साल से डब्बा चल रहा है, जो नहीं आ रहा वहाँ। फिर कैसे होती है आपकी खेती? जी तो होता थी साहब, पानी रहती तो नुक रहती, फिर बस सूख जाती बिल्कुल, फर भी तक नहीं आती। पिछले कुछ वर्षों से नदी में गर्मी के दिनों में पानी की बूंद भी देखने को नहीं मिल रही है, जिससे किसान गड्ढे खोदकर पानी निकाल सिंचाई करने के लिए मजबूर हैं। नदी में जल ना होने से आसपास के जल स्तर में भी काफी गिरावट आई है। इस सब के बावजूद इस नदी में सबका ख्याल रखा है, लेकिन इस नदी का ख्याल किसी ने नहीं रखा। अभिषेक मेहरा, दखल न्यूज, गाडरवारा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब है आपके लिए भरंड समाचार। नमस्कार, भरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो गर्मी है ना, लपक के पड़ रही है। 65 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्री मानसून में कुछ बारिश ही नहीं हुई, बताओ। ये दिमाग चटके जा रहे लोगों के, बता रहा हूँ। अब ये गर्मी पड़ रही है, बता रहे हूँ। लोग है ना, नए नए तरीके इससे निपटने के ढूंढ रहे हैं। सिंगापुर में बस की छत पे ही पेड़ उगा दिए, उससे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, बता रहे हो। हमें भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ पेड़ लगाओ भैया, जो पेड़ काटे जा रहे हो ना, और जो गाड़ियाँ बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, उससे है ना यही होने वाला है। आगे चल के है ना पिघल जाएंगे भाई, सड़क पे निकले भाई पिघल गए दो आदमी, ये से खबरें आएंगी फिर। हाँ भैया, खबर ये देख लो, ये पाकिस्तानी अपनी ये पुरानी आदतों से बाज नहीं आता, पूरे बदतमीजियाँ हैं बर्दाश्त, इनको चलते ही रहता है बदतमीजियाँ। भाई इफ्तार पार्टी हो रही थी भारतीय उच्चायोग में, वो वहाँ पे ये मेहमानों से बदतमीजी कर दी, बताओ इनने। और मेहमान भी तो इनके ही होंगे, इनको शर्म आती नहीं, बता रहे। ये रमजान का महीना चल लिया है, ये थी हरकतें कर रहे हैं। और ये खबर ये देख लो, कर्मचारी भविष्य निधि में आदमी अपना कहता है, पूरी मेहनत करता है जिंदगी भर, ये पैसा इकट्ठा करता है, और उसके एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, बताओ CBI का, ये 5 लाख निकले, बता रहे। ये कुछ तो मतलब क्या समझने क्या चल लिया है। और बिहार में देख लो आप, बिहार में जो नीतीश कुमार है उनने बदला ले लिया, उनको वहाँ सेंटर में वो नहीं मिली मिनिस्ट्री उनकी पार्टी को, JDU को, तो इन्होंने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वहाँ पे बिहार में, तो इन्होंने भाजपा को कोई सीट नहीं दी अभी, ये तो चल लिया है बस टेट फोर टेट। हाँ, और ये खबर ये देख लो, दक्षिण चीन सागर में और ताइवान में ये जो अमेरिका का इंटरफियरेंस बढ़ रहा है, और चीन भुनभुना रही है इस पर, और चीन की दादागिरी चल रही है तो वो उसको ख़त्म होने वाली है। उस चक्कर में चीन कह रहा है अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ये तो काम लालच वाले काम करती है क्यों, ये अपना अपने देश में काम करो, अपनी अपनी जगह पे रहो तो युद्ध ही नहीं हो। हाँ, और ये खबर ये देखो लोकल खबर, JP हॉस्पिटल में फर्स्ट पे डिलीवरी हो गई। और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर हैं ये, नर्स हैं ये लोग, ये जल्लाद हो रहे हैं क्या ये? अरे कुछ तो ईमान रखो अपना, ये बता रहे हूँ, ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। ये लोगों के भले करने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे, कुछ तो देखो।
और वर्ल्ड कप में तो देखो ये थे लपक्के है, बांग्लादेश ने ऐसा आगाज किया 330 रन ठोक दिए कल और साउथ अफ्रीका को निपटा दिया बता रही हूँ। और साउथ अफ्रीका तो बेचारा ये अभी ये दो मैच हार चुका लगातार, वो अभी तीसरा इंडिया से होने वाला है 5 जून को, वो भी पर्यावरण दिवस मनाएंगे इंडिया वाले बता रही हूँ। हाँ इनका बुरा हाल हो रहा है। और मैं भी चला भैया मैच देखने, अब टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।